कार्पण्यदोषो अप्रहत स्वभावः प्रच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यश्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान देना शुरू क्यों किया, ये जो दूसरे अध्याय का सातवां श्लोक है इसमें इस बात की स्पष्टता है। भगवत गीता में आप पीछे की तरफ देखेंगे तो सब युद्ध की तैयारी हो गई है, एक तरफ कौरवों की सेना खड़ी है, एक तरफ पांडवों की सेना खड़ी है, शंख बज चुके हैं, सबने अपने अपने शंख बजा दिए। अर्जुन बोल रहा हमारे तो हाथ कांप रहे हैं, हमारे हाथ से तो गांडीव छूटा जा रहा है, मुंह हमारा सूखा जा रहा है, ये केशव मैं युद्ध नहीं करूंगा। बहुत बड़ी क्राइसिस आ गई थी, भगवान ने गीता के अंदर पूरा क्राइसिस कंट्रोल कर लिया, अर्जुन को ऐसा समझाया कि इन 700 श्लोकों के बाद अर्जुन तैयार हो गया युद्ध करने के लिए। अर्जुन ने अपने अपने बहुत अच्छी लॉजिक दी अर्जुन ने कि प्रभु हमारे तो चाचा खड़े हैं, हमारे ताऊ हमारे दादा खड़े हैं, और ऐसे राज्य को प्राप्त करने से लाभ क्या होगा जो हमारे ही परिजनों के खून से सना हो। आज की भाषा में देखें तो किसी दो भाई हैं, दोनों की दो दो फैक्ट्री हैं, जाके सामने वाले को गोली से मार दो और उसकी फैक्ट्री ले लो, क्या लाभ है आपको, कोई प्रतिष्ठा कोई प्रसिद्धि मिलेगी? तो भगवान की बुद्धि में ऐसा क्या चला गया कि बोल रहे अर्जुन तुम्हें तो लड़ना है भैया, भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो यहां अच्छा अर्जुन अपने बहुत सारे लॉजिक दे रहा था, भगवान कुछ कह नहीं रहे थे, लेकिन क्योंकि देखिए जब दो लोगों के बीच में जब तक मित्रवत वार्ता चलती है ना, दो मित्रों के बीच में, तब तक उसका कुछ फल ज्यादा निकल के आता नहीं। फल तो तभी निकल के आता है जब एक ज्येष्ठ हो और एक कनिष्ठ हो, एक किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता स्वीकार करे कि ठीक है अब आप जो कहेंगे हम बात मानेंगे, पिता कहे बेटा माने तो काम चलता, गुरु कहे शिष्य माने तो काम चलता, सीनियर कहे जूनियर माने तो काम चलता है, और नहीं मानना है तो बातें सब जमाने भर की होती हैं लेकिन परिणाम उसका कुछ निकल के आता नहीं है। इसलिए भगवान अभी तक बोल ही नहीं रहे थे। थोड़ा बस बोला भगवान ने कि अर्जुन तुम्हारे अंदर ये जो त्वया कश्मलमिदम, ये जो पुंसकता का विचार तुम्हारे अंदर आया कैसे क्षत्रिय होते हैं, ये भगवान ने कहा। अब इस श्लोक में जब अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि प्रभु अपनी कृपल दुर्बलता के कारण मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूं। देख लीजिए दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है यहां पर, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल गया है गीता उसको उसके कर्तव्य की याद दिलाने वाली है कि आपका कर्तव्य है क्या, और दूसरा कि क्यों भूल गए हैं, कह रहे कृपल कृपण दुर्बलता के कारण। अच्छा कृपण कौन है? कृपण उस व्यक्ति को कहते हैं, सामान्य भाषा में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कृपण का मतलब होता है कंजूस होता है, दृष्टि से कंजूस मतलब है सब कुछ लेकिन उपयोग करना नहीं जानता है, उसको कंजूस कहते हैं। या दूसरी भाषा में मान लीजिए यहां प्रभु जी बैठे हुए हैं, इनको मैं एक मर्सिडीज दे दूं और ये क्या करें मर्सिडीज ले जाएं और खेत में कल्टीवेटर होता है ना ट्रैक्टर के पीछे लगाते हैं, ट्रैक्टर के पीछे जो कल्टीवेटर लगाते हैं वो मर्सिडीज में लगा के और खेत में जुताई कर रहे हैं, क्या करूंगा मैं? मैं कहूंगा बड़े भैया ये तुम्हें 80 लाख का हमने गाड़ी दिया, जो काम 5 लाख का ट्रैक्टर कर सके उसके लिए 80 लाख की गाड़ी, ये तो रोड पे फर्राटेदार दौड़ने के लिए है, तो आप दुरुपयोग कर रहे, तो ऐसा करो आप ट्रैक्टर ले लो मर्सिडीज वापस करो। तो कृपण वो व्यक्ति है जिसके पास वस्तु उपलब्ध है लेकिन उसका सदुपयोग करना नहीं जानता है, अर्थात हर वो व्यक्ति इस संसार में जिसको मानव देह प्राप्त हुई है लेकिन इस मानव देह से कैसे जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना है इस दिशा में नहीं लगा हुआ है, तो वो व्यक्ति है कृपण। अब विचार कर लो आप लोग कौन कौन कृपण, मैं नहीं कहूंगा कौन व्यक्ति कृपण है, कंजूस है क्योंकि वस्तु का सही तरीके से उपयोग करना नहीं जानता इसलिए वो व्यक्ति कृपण है, और कृपण के उल्टा होता है ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, अर्थात ब्रह्म अर्थात यहां पर भगवान के संदर्भ में ब्रह्म कहा जाता है, परम ब्रह्म वो कहते हैं, और आत्मा के संदर्भ में ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है। तो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो आध्यात्मिक स्तर पर जिसने कार्य करना प्रारंभ किया है, जिसके जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है,
क्योंकि ये लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ इस मानव जीवन में ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाता है, क्योंकि इस मानव जीवन में मानव जीवन को प्राप्त करके वो व्यक्ति जो मानव जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार उसकी दिशा में आगे बढ़ा हुआ है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अपनी कृपल दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं, इसलिए प्रच्छामी त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, प्रच्छामी त्वाम, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं आपसे पूछ रहा हूं, मैं तो मूढ़ हो गया हूं, मैं तो मोहग्रस्त हो गया हूं, अब आप बताइए धर्म के अनुसार जो श्रेष्ठ है। प्रच्छामी त्वाम, अब जब अर्जुन ने पूछना शुरू किया तभी भगवान ने कहना प्रारंभ किया। बहुत बड़ी शिक्षा है हम सबको, यदि हम कुछ सीखना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि जीवन में हम कुछ सद्गुणों को ग्रहण करें, अच्छे गुणों को ग्रहण करें, अच्छे ज्ञान को ग्रहण करें, तो कहते हैं हमें रिसीविंग एंड पर आना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप अपने आप को ऊपर वाले हिस्से पर रखे हुए हैं तो यहाँ से नीचे से ऊपर तक वस्तु को पहुँचाने, पानी को पहुँचाने बड़े प्रेशर की आवश्यकता होती है, और ऊपर से नीचे लाने में तो बहुत आसानी से आ जाता है। तो जब अर्जुन रिसीविंग, अभी तक तो क्या मित्र की ऐसी बात कर रहे थे, प्रभु क्या झगड़ा करवा रहे हो, अब अर्जुन रिसीविंग एंड पर आ गया। प्रच्छामी त्वाम, मैं आपसे पूछ रहा हूं। इसीलिए इस श्लोक के बाद भगवान विस्तार से जो ज्ञान है आत्मा का, अच्छा फिर कोई कहेगा वो देना शुरू करेंगे। अब कोई कहे चलो ठीक है प्रभु जी, अब युद्ध का मैदान था, थोड़ी बहुत समझा देते, ये सब ध्यान योग की चर्चा गीता में कर रहे, कर्म योग की चर्चा कर रहे, ज्ञान योग की चर्चा कर रहे, भक्ति योग की, अरे लड़ाई झगड़े का माहौल बना, बंदूक तान के बैठा आदमी, और आप है कि उसको बोल रहे भाई चलो ले थोड़ा माला करो, क्या माला करो ऐसे समय है? तो भगवान क्यों ये सब चीजें बता रहे हैं? ये सब चीजें भगवान इसलिए बता रहे हैं, श्लोक में स्पष्ट है, यत श्रेयः, भगवान कहते हैं यत श्रेयः, अर्जुन कह रहे जो कल्याणकारी हो, यत श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तत्मे, वह मुझको बताइए जो निश्चित विश्वास पूर्वक जो सबसे मेरे लिए कल्याणकारी है। तो यहां अर्जुन हम सबका प्रतिनिधि बने हुए हैं अर्जुन, और हम सबके लिए जो कल्याणकारी है वो, चूंकि नहीं तो भगवान तो एक मिनट में कह के खत्म कर देते कि तुम्हें युद्ध करना है, युद्ध करो, सीधे दसवें अध्याय से शुरू करते कि जो कुछ देख रहे हो सब मैं हूं, दूसरा तीसरा अध्याय सातवां अध्याय भगवान गायब ही कर देते। क्यों कहा? क्योंकि अर्जुन ने कहा यत श्रेयस निश्चितम, जो श्रेयस हो, जो कल्याणकारी हो, वो आप हमें बताइए। तो इसलिए भगवान ने इस जीवात्मा के कल्याण का मार्ग इस गीता के अंदर बताना प्रारंभ किया है। तो सिर्फ युद्ध करवाने के लिए भगवान ने गीता नहीं बताई है, बल्कि जीव का कल्याण कैसे हो ये समझाने के लिए भगवान ने इस गीता का ज्ञान यहां पर प्रदान किया है। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, हे प्रभु आप हमें ये ज्ञान प्रदान कीजिए, क्योंकि अब मैं आपका शरणागत शिष्य हूं, मैं आपकी शरणागति में आया हूं, आपकी शरण में आया हूं, इसलिए ये ज्ञान आप हमें प्रदान कीजिए। देखिए ये पद्धति है वास्तव में, जब तक हम शरणागत ना हो गुरु के, जब तक हम गुरु की शरणागति को स्वीकार ना करें, तब तक ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर वो ही नहीं पाएगा। दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर जी लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन के बड़े प्रसिद्ध महात्मा हुए, तो उनकी इच्छा थी कि मैं लोकनाथ गोस्वामी जी से दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर राजपुत्र थे, लोकनाथ गोस्वामी जी ने कहा कि हम तो किसी को दीक्षा देंगे नहीं, और नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि हम तो दीक्षा नहीं करके रहेंगे, क्या करें? तो नरोत्तम दास ठाकुर क्या करते थे कि रोज उनको पता था, उन्होंने देखा कि गुरुजी कहां कहां जाते हैं, क्या हम इनकी सेवा कर सकते हैं, किस प्रकार की सेवा हम इनकी कर सकते हैं, तो जाते थे वहां पर, और वो मल त्याग करने जाते, उस समय तो मोदी जी थे नहीं, तो ये स्वच्छ भारत अभियान था नहीं, तो ये टॉयलेट बाथरूम उस समय बनाया नहीं जाता, ये अभी अभी रिसेंटली मोदी जी के आने के बाद शुरू हुई चीज़ें, तो उस समय जाते थे वो मल त्याग करने के लिए, तो वो वहाँ पे छुप के बैठते थे और उस स्थान को साफ कर देते थे। अनेक दिनों तक लोकनाथ गोस्वामी जी ने उसको देखा, अवलोकन किया कि भाई, ऑब्जर्व किया कि क्या बात है, साफ हो रहा है यहाँ पर। बाद में एक दिन उन्होंने पकड़ लिया, अरे
तुम कर रहे हो इस प्रकार की सेवा कि जो लोकनाथ गोस्वामी जी का हृदय पिघल गया। ये नरोत्तम इतने श्रेष्ठ राजा का लड़का और मल सफाई करने की सेवा कर रहा है, इससे उनका हृदय पिघल गया। और उन्होंने कहा ठीक है, मैं शिष्य स्वीकार करूंगा। और लोकनाथ गोस्वामी जी ने अपने पूरे जीवन में एक ही शिष्य को स्वीकार किया। तो देखिए, जब व्यक्ति शरणागत होता है और उनको जो ज्ञान प्रदान किया, आगे उन्हें आचार्य परंपरा लोकनाथ गोस्वामी जी से प्रारंभ है, नरोत्तम दास ठाकुर जी से प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति गुरु को शरणागत होता है, शिष्यत्व स्वीकार करता है, तब वो उसको उपदेश देते हैं और उस उपदेश से उसका कल्याण होता है। अब आजकल तो व्यक्ति उपदेश लेकिन सुनने ही नहीं चाहता है, उल्टे गुरु जी कोई दो उपदेश सुना के चले जाते हैं, ऐसी स्थिति हो गई है। साधु महात्माओं से मैं देखता हूँ, ट्रेन में बैठते हैं तो उनको ये नहीं लगता कि चलो कोई महात्मा जी बैठे हुए हैं, थोड़ा दो मिनट 10 मिनट हरि सत्संग हरि चर्चा कर लें। सब अपने अपने मोबाइल में टिन 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 लगे रहते हैं, बिल्कुल इच्छा नहीं होती। तो प्रयास करना चाहिए, यदि साधु का ईश्वरी साधु महात्माओं का हमें संग प्राप्त हो तो हम उनसे हरि कथा श्रवण करें और इससे हमारी धीरे धीरे रुचि भगवत भक्ति की ओर बढ़ेगी। तो इस अवसर का हमें लाभ उठाना चाहिए, हमें कृपण नहीं बनना चाहिए। और वही इस श्लोक में हम देखते हैं कि अर्जुन कह रहे हैं शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वं प्रपन्नम, अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ और आप मुझे यत् श्रेया, जो हमारे लिए श्रेयस्कर है, वो श्रेयस्कर ज्ञान आप हमें हमारे लिए प्रदान कीजिए धर्म के अनुसार। तो इसलिए भगवान अर्जुन को ये भगवद गीता का ज्ञान प्रदान करने के लिए तैयार हो गए। यदि अर्जुन दोस्त की ऐसी बात करता तो भगवान हो सकता ना देते, लेकिन अर्जुन ने शिष्यत्व स्वीकार किया इसलिए हमको ये ज्ञान दिया।